ऑलराइट, आज शुरू करते हैं सुअलेना से। तो सुअलेना ने इंस्टा पे एक पोस्ट शेयर की थी जिसके ऊपर किसी कृष्णा के फैंस ने कमेंट किया एकदम गंदा सा, जिसपे सुअलेना ने रिप्लाई किया है, तभी सीख लो जिंदगी में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट रागा एंड एमसी स्टैन की तरफ से। तो इन दोनों का एक कोलैब आने वाला था जो कि कुछ टाइम पहले लीक हो गया था। सो रागा ने कहा कि वो कोलैब लीक होने की वजह से अब नहीं आएगा। नेक्स्ट अपडेट हनी सिंह एंड रफ्तार की तरफ से। सो रफ्तार एंड हनी सिंह दोनों एक ही शो में परफॉर्म करने वाले थे, सेम टाइम पे भाई, उनके बीच सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस था, तो चांसेस थे उनके मिलने के, बट शायद दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। नेक्स्ट अपडेट केडन की तरफ से। तो केडन इंस्टा पे लाइव आए थे, तो उन्होंने अपने फ्यूचर ट्रैक्स के बारे में बात करी है। बहुत सारा फ्रेश म्यूजिक इज इन मेकिंग, इज इन प्रोसेस, एंड बहुत सारे सरप्राइजेस है। अभी तक कोई गाना नहीं आया असल के पास, सो जस्ट डोंट थिंक कि अभी कुछ भी नहीं आने वाला है। अभी जो आने वाला है वो इतिहास रचने वाला है। नेक्स्ट अपडेट डिवाइन एंड करण औजला ने अभी कुछ ही दिनों पहले नाइकी की शूज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यूट्यूबर फिंक का कहना है कि किसी को भी कोई भी साइज का शूज दे दिया, आप लोग देख लो एक क्लिप। एक बच्चा उसका 7 नंबर का पैर उसको 5 नंबर का जूता दे रखा है भाई। मतलब यार देखो, माना तुम्हारी एल्बम आई है, ठीक है, तुम्हें प्रमोशन करना है, तुम्हें सेवा भी करनी है, इनफैक्ट ठीक है, तुम्हें सेवा भी करनी है, गुड भाई गुड करो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ हल्का सा, लिटिल बिट। तुम जूते खरीद के ले आए, अबे मेरे को ये लग रहा है इन्होंने वीडियो शूट करी बांटते हुए, बांट दिया, उसके बाद कैमरा ऑफ होना, कैमरा ऑफ होने के बाद सारे बालक आए होंगे, भैया ये तो फिट ही नहीं हो रहा, भैया ये तो छोटा है। वैसे ही बब की न्यूज़ देखने के लिए करण बरवड़ को अभी सब्सक्राइब करो।